एक बार की बात है, जंगल में एक बारह सिंगा रहता था। उसको अपने खूबसूरत सींगों पर बहुत ही गर्व था। जब भी वह तालाब में पानी पीते हुए अपनी परछाई देखता तो सोचता, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी टांगें कितनी पतली और भद्दी हैं। वह सोचता कि काश उसकी टांगें भी खूबसूरत होती तो वह बहुत खूबसूरत दिखता। इस प्रकार वह अपनी टांगों को लेकर बहुत हीन भावना से घिरा रहता था। एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी शिकार पर आए। उन्होंने जब खूबसूरत सींगों वाले बारह सिंघा को देखा तो वे उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़े। बारह सिंघा बहुत तेज दौड़ा और शिकारियों से काफी दूर निकल गया। भागते हुए वह पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था, तभी अचानक बारह सिंघा के सींग एक पेड़ की शाखा में अटक गए। बारह सिंघा अपने सींग छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन सींग नहीं निकल पा रहे थे। इधर शिकारी लगातार निकट आते जा रहे थे। खूब कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपने सींग छुड़ाए और वहां से जान बचाकर सुरक्षित स्थान पहुंचा। अब बारह सिंघा सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ, जिन सींगों की खूबसूरती पर मैं इतना इतराता था, आज उन्हीं की वजह से मैं भारी संकट में फंस गया था, और जिन टांगों को मैं भद्दी कहकर कोसा करता था, आज उन्हीं टांगों ने मेरी जान बचाई है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन हमको इस कमी को लेकर हीन भावना का शिकार नहीं होने देना है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ है। खुद से प्यार करें, यकीन मानिए यह कमी भी आपकी मजबूती बन जाएगी।